यस, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी ऑफ द पेपर, ओके, मई 2022 का। अभी जीएसटी रहता है, जीएसटी 40 मार्क्स का है, उसमें से 30% मतलब 12 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड है, तो वो तो अपने को पेपर पता नहीं कि क्या था, ठीक है, 12 मार्क्स, लेकिन रिमेनिंग जो 28 मार्क्स है उसका पेपर यहां पर है, उसमें भी 8 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके बाद 10 मार्क के तीन क्वेश्चन है, तीन में से दो करो, तो तीन में से दो करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 + 8 = 28। देखिए 8 मार्क का क्वेश्चन, Zion Limited, a GST registered supplier located in Ranchi, Jharkhand, is engaged in the manufacturing of washing machines and mixer grinders. It provides you the following details of various activities. Okay, तो आपको लिखा है outward supplies made during the month 24 lakh and 5 lakhs. तो आपको पूछा क्या है ये देख लो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपकी बुक में अभी प्लॉट करवा देता हूं, लेकिन पहले देख लो क्वेश्चन। तो 24 लाख का विद इन द स्टेट है, तो उसमें कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके, रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया ही होगा, नहीं दिया है तब 99% मान लेना, देखो दिया ही है, रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन टू बी 9, 9 and 18, दिया ही रहता है नॉर्मली, नहीं दिया तो भी ये मान लेते हैं अपन। देन आउटसाइड झारखंड में लगेगा आईजीएसटी कितना परसेंट, 18%, ये आपका आउटपुट टैक्स हो गया। नेक्स्ट जो आइटम है वो इनपुट टैक्स से संबंधित है, आप मुझे बताओगे कि इसका क्रेडिट मिलता कि नहीं मिलता। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स विद इन द झारखंड, द झारखंड क्या होता है, द बहुत डाला इन्होंने पेपर में, विच इंक्लूड्स मटेरियल्स वर्थ 2 लाख परचेज फ्रॉम मिस्टर कृष्णा अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो जो कंपोजिशन स्कीम वाले से खरीदा उसका तो क्रेडिट नहीं मिलता है ना, लेकिन बाकी के 5 लाख का, बाकी के 5 लाख की जो टैक्स लगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। हम लोग बस नीचे ये देख लेते हैं कि फिगर्स मेंशन्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो 5 लाख में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, 5 लाख के ऊपर जीएसटी और चार्ज किया गया। रॉ मटेरियल पे रेट आप ध्यान से देख लीजिए क्या है, रेट गिवन इज 6 + 6%। तो ये जो सप्लायर्स है आउटसाइड झारखंड है कि झारखंड वाले हैं, झारखंड वाले, तो बेसिकली ये हो जाएगा, आप निकाल लो आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, बताइए कितना आ रहा था, 24 लाख का 9%, 2,16,000 एंड ये भी 2,16,000 एंड आईजीएसटी कितना रहेगा बेटा, 5 लाख का 18%, 90,000। ये तो आपकी आउटपुट लाइबिलिटीज हैं। अब नीचे थोड़ा सा नीचे में लिख लेता हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी कितना अवेलेबल है, सो आईटीसी कितना है, ये 2 लाख के परचेज पे तो नहीं मिलेगा, 5 लाख वाले पे मिलेगा, तो इट विल बी 5 लाख × 6% एंड 5 लाख × 6%। आई होप रेट पे ध्यान है आपका, क्योंकि आपको अगले पेज पे डब्बे में रेट दिया हुआ है कि रेट फॉर रॉ मटेरियल इज एज यू कैन सी 6 and 6%। कंपोजिशन सप्लाई का रेट दिया है लेकिन उसका अपने को कुछ करना ही नहीं है, उसका क्रेडिट तो नहीं मिलता बस। और तीसरा आइटम है बस, परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर इन टाटानगर झारखंड, बस खरीदा है आपने, इट इज यूज टू फेरी 25 वर्कर्स टू एंड फ्रॉम फैक्ट्री, तो 25 वर्कर्स के लिए बस खरीदा, इसका आईटीसी मिलता है, यस। अगर व्हीकल की कैपेसिटी 13 या 13 से कम की होती थी तो नहीं मिलता था, इसका तो क्रेडिट मिल जाएगा। ये झारखंड से खरीदा तो बस के ऊपर 14% का रेट लगा है, तो ये भी निकाल लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन बस 12 लाख × 14% प्लस 12 लाख × 14%, बोलो कितना, 1,68,000। बहुत ही आसान है यहां तक के, बस यही थके था जो था, हो गया क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी दे दिए, तो ठीक है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने इस साल के हैं प्लस ओपनिंग बैलेंस भी कर लो, आईटीसी 20,000, 5,000 और 95,000 इतना ऐड कर लो। इसके आगे का जो पार्ट है वो
हम लोग पेमेंट ऑफ चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑल करने वाले हैं, तो समझ लो उसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो आपके पास टोटल आईटीसी कितना हो गया, इतना ओपनिंग बैलेंस आ गया एज ऑन 1 सितंबर। ओके, बोथ सप्लाईज आर टू बी कंसीडर्ड। कितने अच्छे लोग है देखो, तो झारखंड के अंदर सप्लाई उसको इंटरेस्टेड मानो बोलते हैं और आउटसाइड हुई उसको इंटरेस्टेड मानो, कितना केयर करते हैं। मैंने आपको बोला था ना आईसीएआई केयर्स फॉर यू, तो केयर कर रहे हैं आपके लिए, इतना नोट कर रहे हैं। नेट मिनिमम जीएसटी पेबल बाय कैश। सो ये आपका टोटल आईटीसी है, टोटल आईटीसी जो आपके पास है वो कितना है देख लीजिए, सीजीएसटी वाला कितना आ रहा है 2,18,000, एसजीएसटी वाला 2,13,000 है ना, और आईजीएसटी 95,000। ये टोटल आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी में पढ़े थे, अब आगे हम लोगों को पेमेंट चैप्टर में पढ़ना ही है कि कैसे हम लोगों को इसको सेट ऑफ करना होता है। 2,03,000। तो अब सबसे पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करो। आईजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले किधर यूज करते हैं, आईजीएसटी के लायबिलिटी में। तो इसमें से 90,000 रुपीज आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करके सेट ऑफ कर लो, लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई, फिर भी क्रेडिट कितना बचा 5,000। आप ये 5,000 को पहले खत्म करो, कहां खत्म करेंगे सीजीएसटी में। तो इधर ये 5,000 रुपीज सीजीएसटी में से एडजस्ट करो। आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में से ही कर सकते हो, इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। देख लो सीजीएसटी में करोगे तो आपका सीजीएसटी का क्रेडिट बच जाएगा आखिरी में, तो इसलिए कहां करना बेहतर है एसजीएसटी में। देखो क्या ध्यान से समझ रहा क्या, तो इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी यू शुड डू इट सेट इट ऑफ इन एसजीएसटी। ओके, क्या है ये आईजीएसटी का क्रेडिट मैंने सेट ऑफ किया। फिर आपके पास सीजीएसटी का जो क्रेडिट बचा है उसको तो सीजीएसटी में ही यूज कर सकते हैं, और बच गया तो आईजीएसटी में, लेकिन आईजीएसटी की तो लाइबिलिटी बची नहीं है। तो पूरा 2,16,000 सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में यूज हो जाएगा, और 2,000 का क्या होगा, 2,000 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूज टू पे एसजीएसटी लाइबिलिटी, एंड एसजीएसटी का आपका लाइबिलिटी बचा है 2,11,000 एंड क्रेडिट है 2,03,000। तो 2,03,000 को आप यहां पर यूज कर लो, तो आपका नेट मिनिमम पेबल बाय कैश कितना आ जाएगा, कौन से कॉलम में, एसजीएसटी, सीजीएसटी में कुछ नहीं, आईजीएसटी में कुछ नहीं, ये आ जाएगा 8,000 और ये 2,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, आप चाहकर भी इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो लाइबिलिटी बच रही है वो सीजीएसटी या एसजीएसटी की नहीं बच रही है ना, एसजीएसटी की है। सो दैट्स इट, 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि कंपोजिशन सप्लायर से परचेस के तो आईटीसी नहीं मिलता है, बस खरीदे 13 सीटर से ज्यादा की कैपेसिटी से तो आईटीसी मिलता है, रेट्स अलग अलग है, रेट्स का ध्यान रखना है, ओपनिंग आईटीसी को कंसिडर करना है, और क्लोजिंग लाइबिलिटी निकालना तो बहुत आसान है, उसमें से सेट ऑफ करना है। बताओ 8 मार्क में से 8 मिलने की चांसेस है कि नहीं यहां पर पूरे के पूरे। सो आपका जो पेमेंट वाला चैप्टर है आईटीसी वाला, आपके पास जीएसटी की बुक तो होगी ना, देखिए उसमें पीछे ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन से पीछे आपको मिल जाएंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी टाइप का है। देखो ओपनिंग क्रेडिट्स दिए हुए हैं, रेट्स दिए हुए हैं, और आपको इसमें तो इनफैक्ट ज्यादा दिया हुआ है, जो ऐसा क्वेश्चन पिछले ही एग्जाम में आया था जुलाई 2021 में, मतलब दिसंबर के पहले वाले एग्जाम। तो ये देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, ये ओल्ड कोर्स में आया था, अब आपको तो और भी आसानी करके दिया है। देखो विद इन गुजरात आउटसाइड गुजरात सप्लाईज, और बाकी तो यहां पर कुछ एडिशनल चीजें हैं। ये एक पॉइंट भी देखो आपका ऐसा ही था, टोटल 8 लाख का परचेस किया उसमें से 3 लाख का कंपोजिशन डीलर्स, ऐसा ही पॉइंट था ना आपका भी, बस वो जो बस वाला पॉइंट है वो ये क्वेश्चन में यहां नहीं है। ठीक है, तो उत्तर तो हमको आना चाहिए वैसे ही। देन वैसा और एक क्वेश्चन उसके ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 9, आपको सप्लाईज के बारे में दिया है, रिसीट्स के बारे में दिया है, उसके ऊपर और भी क्वेश्चन है जहां पर हम लोग ऐसे जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे हमको बहुत प्रैक्टिस करना ही है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने इसमें फुल स्कोर किया होगा, करेंगे मतलब।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A। अब ये 6A 6 मार्क का है, 6B 2 और 2 करके 4 मार्क, 10 मतलब टोटल 6 और 4 10 मार्क का है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 4 प्लस 3 प्लस 3 10 मार्क का है, और क्वेश्चन नंबर 8 5 प्लस 5 10 मार्क का है। तो इसमें से आप देखो थोड़ी थियोरी बढ़ जाएगी, ये भी चलो बहुत प्रैक्टिकल है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे अपन क्लास में कर चुके वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, हूबहू मिल जाएगा शायद कोई नाम चेंज के साथ। XY प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ज्यादा दिन नहीं हुए पढ़ने को, याद आ रहा है? बोलिए। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लेंगे क्या? लेंगे। आपको नीचे क्या पूछा है कि डिलेड द पेमेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिलेड द पेमेंट चलो 50,000 टैक्स लिमिट बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऐड करेंगे। अपना शायद वैल्यू ऑफ सप्लाई का पहला ही क्वेश्चन था ऐसा जो अपन लोगों ने क्लास में किए थे, चैप्टर नंबर ई। ये देखो इसमें था प्राइस ऑफ द मशीन, इसके जैसा दिखने वाला कौन सा है देख लो, बाकी क्वेश्चन तो ये सब किए अपन ने। ये था देखो प्राइस ऑफ द गुड्स टैक्स लिविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, क्वेश्चन 23 शायद लास्ट वाला, देखते हैं बाकी आइटम्स फिर मैच करते हैं। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट प्राइस, इधर पैकिंग चार्जेस नहीं, लेकिन पैकिंग चार्जेस और बहुत सारे क्वेश्चन में देखे थे अपन ने, तो कुछ नया नहीं है उसमें। क्या करेंगे उसको भी एड करेंगे, क्यों? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या चार्जेस, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इंक्लूड ऑलरेडी इंक्लूडेड है लिस्ट प्राइस में, तो सब्सिडी को अलग से ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूडेबल है और इंक्लूडेड है भी, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। यहां पर भी देखो सब्सिडी का था ओके, बट यहां पर प्राइस इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ सब्सिडी, मतलब ये वाले क्वेश्चन में सब्सिडी माइनस करके प्राइस दिया हुआ है, और हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन इसमें सब्सिडी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देन पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इन रिलेशन टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेंडर टू एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड। ओके बताइए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने डायरेक्टली वेंडर को पे कर दिया, ये भी ऐड करते हैं। मतलब आपको बताऊं तो दिस वॉज सेक्शन 15(2)(a) बराबर, देन पैकिंग चार्जेस सेक्शन 15(2)(c), देन सब्सिडी 15(2)(e), पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स 15(2)(b), ये जो आपको एक पेज बताया था इंक्लूजन वाले वो आइटम्स। देन डिस्काउंट, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स 2% टर्नओवर डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस आफ्टर रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, डिस्काउंट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट पता नहीं था, तो फिर इसको माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ओके डू नथिंग, पढ़ाया ना अपन ने, डिस्काउंट शुड हैव बीन अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और ये एग्जैक्टली सिमिलर वर्ड्स अपने को कोई क्वेश्चन में मिले थे जरूर से, है ना, डिस्काउंट के बारे में। अब वो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन में, ये देखो ये डायरेक्टेड डिस्काउंट विच वॉज नॉट एज पर अग्रीमेंट, तो अपने बोला था डू नथिंग। देन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट एंड पेड 5,000, क्लियरली लिख दिया आप आईसीआई केयर्स फॉर यू, तो क्लियरली लिख दिया कि 5,000 जो है इंक्लूडिंग जीएसटी है एज इंटरेस्ट टू एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या करेंगे 5,000 में से जीएसटी को छोड़ के कितना पोर्शन होता है उतना निकालेंगे, 5,000 इंटू 100 अपॉन 118 4,037 इतना अमाउंट हम लोग ऐड कर देंगे सेक्शन 15(2)(d) लेट फी इंटरेस्ट पेनल्टी। ओके बस डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू, वो 8 मार्क भी अच्छे कंफर्म, ये भी कंफर्म, बोलिए सॉरी सर मैं बाद में गलती से प्लस कर दिया, सब प्लस दिखा रहा, इसका क्या करेंगे अपन डू नथिंग, है ना डू नथिंग। तो आगे आंसर 56 प्लस 2500 प्लस 2000 प्लस 4237, हर एक पॉइंट का एक एक नोट लिख दिया 6 मार्क, मतलब जीएसटी के 28 में से 14 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के बेस पे निकल गया,
आगे देखते क्या है, आगे भी आपको जमेगा अगर आपने क्वेश्चंस ये अपने थियोरी को अच्छे से पढ़ा है साथ साथ में। अपन ने क्या था, ग्लोरी लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सेवा ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोच ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हिज चैरिटेबल एक्टिविटीज। ग्लोरी लिमिटेड डोनेटेड अ सम ऑफ 2 lakhs टू सेवा ट्रस्ट विद अ कंडीशन दैट सेवा ट्रस्ट विल प्लेस अ होर्डिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्रस्ट प्रीमाइसेस डिस्प्लेइंग द पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई है बिकॉज एलिमेंट ऑफ बिजनेस है एंड कंसिडरेशन इज फॉर द सप्लाई अगेंस्ट द बिजनेस एक्टिविटी, इट्स इन द नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसका एक सर्कुलर था ना कि अगर आपने डोनेशन दिया है फिलेंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए जहां पर मतलब आपका कोई बिजनेस प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये सप्लाई है, एक्सपेंस करना पड़ेगा 2 mark और अंदर, मतलब वो इनकम टैक्स के 40 तो है ही, ये 18 marks तो अभी कंफर्म हो गया, अभी तक 18 नहीं 16, और 2 ले लो। मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई इज वर्किंग एज अ मैनेजर विद ABC बैंक। ही कंसल्टेड मिस्टर मेसर्स जेकब्स एंड कंपनी ऑफ एंड टुक हिज एडवाइस फॉर बाइंग अ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई एंड पेड देम कंसल्टेंसी फी ऑफ 200 UK pounds फॉर दिस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए बट फॉर अ कंसिडरेशन, तो क्या उसको सप्लाई मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसको सप्लाई मानते हैं, है ना, जो हमारा सप्लाई का था सेक्शन, उसमें सेक्शन 7(1) था सप्लाई इंक्लूड्स, उसमें सेक्शन 7(1)(b) में था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज अ सप्लाई। 18 mark। GST वॉज स्पेशली इजी, बच्चों ने लिखा है, यहां तक समझ गया? नेक्स्ट, मिसेस जिंग ट्रांस जो भी नाम है ऑफ कोलकाता एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसमीटर्स। पूछा क्या है, एग्जैक्ट डेट ऑन विच टैक्स इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड। ठीक है, टैक्स इनवॉइस का ड्यू डेट पूछ रहे हैं। ये पूरे पेपर में ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल वगैरह पे कुछ नहीं पूछा, QR कोड नहीं, मतलब हो सकता है आपको पूछेंगे। ऑन 20th May मिस्टर जिंग ट्रांस हैव सेंट 500 यूनिट्स ऑफ ट्रांसमीटर्स फॉर एड्रेस चेन्नई ऑन सेल ऑफ रिटर्न बेसिस। तो डिस्प्ले के लिए भेजा है, सेल हो गया तो ठीक, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा। उस समय क्या टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है क्या? नहीं। किस डॉक्यूमेंट के साथ भेज सकते हैं? डिलीवरी चालान। आउट ऑफ द 500 यूनिट्स 300 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड, ओके, ऑन 20th of July एट द एग्जीबिशन। उसमें से 300 यूनिट सेल हो गए हैं कोलकाता के पर्सन के चेन्नई में 20th July। तो अब ये जो यूनिट्स है इसका इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। नाउ दैट दे आर सोल्ड, हमने एक सर्कुलर पढ़ा था इससे संबंधित, एग्जीबिशन में भेजा, तो वो 8 gallery के रिस्पेक्ट में था सर्कुलर। अब वहां पर ये भी लिखा था कि बाकी प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई होगा, बस उस पर क्वेश्चन बना के पूछ लिए। तो यस, इस दिन इनवॉइस बनाना पड़ेगा 20th July को, लेकिन पूरे 500 यूनिट्स का या सिर्फ 300 यूनिट्स का? 300 यूनिट्स का। आउट ऑफ द रिमेनिंग 200 यूनिट्स 100 यूनिट्स हैव बीन ब्रॉट बैक टू कोलकाता ऑन 25th November। 150 यूनिट्स कोलकाता में वापस ला लिए एंड बैलेंस 50 यूनिट्स वहीं पर रखे हैं, नीदर सोल्ड नॉर ब्रॉट बैक। तो ये जो 150 वापस ला लिए उसका तो इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, है ना, नो टैक्स इनवॉइस, जो भी वहीं पे रखे हैं अभी सामने वाले अप्रूव भी नहीं किया है। तो फिर क्या सेल ऑन अप्रूवल में क्या होता है, कब सेल मानते हैं? 6 months के बाद। ये देखो 6 months हो चुके हैं क्या, देखो 20 May को गए थे, उसके 6 महीने के बाद 150 यूनिट तो ला लिए लेकिन 50 यूनिट अभी भी उधर ही रखे हैं, ओके। तो ऐसे केस में क्या मानेंगे कि वो सेल मतलब सेल ऑन अप्रूवल का सेल हो गया है, मान लेंगे जीएसटी पर्पस के। देयरफॉर इसका आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? 20th May प्लस 6 months और एक्चुअल सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, करेक्ट, दैट्स इट। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ऐसे स्लॉ बना बना के पूछते हैं क्वेश्चन, सो आई विल नॉट कैटेगराइज इट एज ए थियोरी क्वेश्चन, ओके, केस स्टडी बेस्ड है। तो आपको ऑलरेडी 18+4 22 marks का तो अभी तक प्रैक्टिकली पूछ लिया। तो जीएसटी में जो ज्यादा थियोरी से डरते हैं उतना तो कोई डरने की, आप
छोड़ भी सकते हो क्योंकि वो थ्योरी पे बेस्ड है, तो आपको तो तीन में से दो ही करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, वन कैलकुलेटेड ईवे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस कमिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी लॉ। यस, बस उसके बारे में तीन मार्क का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो ईवे बिल की वैलिडिटी है, कंसोलिडेटेड ईवे बिल की अलग कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, इंडिविजुअल ईवे बिल्स की अपनी अपनी रहेगी। एंड अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो कर सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये वन कंसोलिडेटेड ईवे बिल का केस है, मतलब फॉर डिफरेंट कंसाइनमेंट्स इन द सेम ट्रांसपोर्ट। ओके, सो यस, अलग अलग इनवॉइसेस के अलग अलग ईवे बिल रहेंगे, बट उसको बाद में कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ईवे बिल का पूछा है, मैंने आपको बोला नहीं पूछा, हाँ ये थोड़ा सा पूछा है। Then all taxpayers are required to file GSTR 1 only after the end of the current tax period. ये आपका चैप्टर नंबर J पे बेस्ड है, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि सभी को GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। ये ओनली का हम दो एंगल से आंसर देंगे कि सभी को GSTR 1 मैंडेटरी नहीं है, दूसरा कि सभी को टैक्स पीरियड एंड होने के बाद, हाँ टैक्स पीरियड एंड होने के बाद ही करना है, लेकिन वो लोग टैक्स पीरियड के बीच में there is something called as invoice furnishing facility जो QRMP वालों के लिए अवेलेबल है, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर J returns में, तो ये उसके बेस पे इसका आंसर आ जाएगा। Then under the GST law taxes on taxable supplies supplied by central government or the state government to a business entity in India are payable by recipient of services, reverse charge लगता है, मतलब government supplies में correct business entity को दिया तो। State the exceptions of the above stated statement, इसके एक्सेप्शंस बताओ बोले, व्हाट आर द एक्सेप्शंस? आपका पेज नंबर 3.5 पे जो तीन पॉइंट्स वहां पर लिखे प्लस रिकरेंटिंग वाला पॉइंट्स, तीन पॉइंट आप पढ़ोगे तो ध्यान आ जाएगा, अच्छा ये तीन थे क्या? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पेज नंबर 3.5 पे मिले क्या? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विस, कौन सी? चार, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी एंड लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा, सर्विस रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स इफ इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अदरवाइज, तो इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगता है, ये लिखना है। एंड उसमें रेंटिंग भी लिखा है, बट रेंटिंग के बारे में अगले पेज पे पॉइंट है 5A नंबर का। तो रेंटिंग जो है उसके बारे में क्या पढ़े थे हमने? अगर रेसिपियंट अनरजिस्टर्ड है तो रेंटिंग में रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर रेसिपियंट रजिस्टर्ड है तो रेंटिंग में रिवर्स चार्ज लगेगा। ऐसे चार पॉइंट आपको पांच मार्क के लिए बताना है, तो ये क्वेश्चन पांच मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है और इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है। तो देख लो क्या क्या है। मिस्टर बी अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ उत्तर प्रदेश इज डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ही अप्रोचेस यू टू मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ITC, इसे यूटिलाइज करना, तो विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो हम लोग अभी चैप्टर IMA डिटेल में देखने वाले, स्टेट द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। मैं आपको इसका आंसर शॉर्ट में दिखा देता हूं, जो मैंने क्लास में भी बच्चों को बोला था, रट्टा मार लो बेटा ये, कि सबसे पहले IGST को यूज करके IGST पे करना पड़ता है, फिर IGST को यूज करके CGST SGST को एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन में पे कर सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ITC राइट। फिर ITC ऑफ IGST फुली यूटिलाइज हो गया, फिर ही हम लोग CGST या SGST को यूज कर सकते हैं। CGST को पहले CGST के लिए यूज करो और फिर IGST के लिए करो, फिर SGST को पहले SGST के लिए करो फिर IGST के लिए करो। SGST को IGST के लिए तभी कर सकते हैं आफ्टर CGST ITC हैज बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली। जो आपकी बुक में ना जो सॉल्व क्वेश्चन है उसमें ऐसा पूरे नोट लिखे हुए हैं, वो ही आपको यहां पर चिपकाना था। एंड CGST कैनॉट बी यूज टू पे SGST, SGST कैनॉट बी यूज टू पे CGST। सो मुझे तो पूरे GST में, मतलब थियरी में हो सकता है कि याद नहीं आ रही कोई चीज, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगा। ये क्वेश्चन ही कर लेंगे अपन, ये भी कर लेंगे, फिर भी ये भी नहीं आता, तो ये भी ये ऑप्शन दिया है। स्टेट एनी 5 सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन। सुमोटो 5 सर्कमस्टेंसेस, नॉन कंप्लायंस वाले प्रोविजंस पढ़े थे ना अपन ने, तो वो वाले कोई भी पांच बोलिए बता पाओगे अभी? बोलिए एनी 5 सर्कमस्टेंसेस जब, हाँ GSTR का जो रिटर्न है वो फाइल नहीं किया फॉर कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 6 months, गुड। कंपोजिशन सप्लायर है तो कंटिन्यूसली 2 या 3 टैक्स पीरियड्स कुछ लिखा था वहां पर, 2 टैक्स पीरियड था शायद, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, और
आप वहां पर आपको देखना पड़ेगा एंटी प्रॉफिटरिंग के जो प्रोविजन है उसको वायलेट किया, सब्सटेंशियल डिफरेंस है ना बिटवीन आईटीसी टेकन एंड द जीएसटीआर वन फाइल बाय द सप्लायर्स, है ना सब्सटेंशियल डिविएशन है, और उसने बिजनेस कमेंस नहीं किया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाली प्रीमाइसेस से बिजनेस कमेंस नहीं किया फॉर सिक्स मंथ्स, और उसने इनवॉइस इश्यू कर दिया विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, डमी इनवॉइस बताया था मैंने आपको, मिलेगा प्रोविजंस, पूरा थियोरी है, मैंने आपको बोला भी था थोड़े बहुत याद कर लेना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आ गया, ऐसा है। अब बताइए मुझे ऐसा पेपर अगर आएगा एग्जाम में तो आप तो आज की पोजीशन में भी पास हो सकते हो जब आपके दो चैप्टर बचे हैं और पुराना आपका रिवीजन भी कितना सारा बचा है, आज की पोजीशन में भी मिनिमम 40-50 तो आप ला ही सकते हो आज, और आज से तो 6 महीने बाद आपकी एग्जाम है, इस बीच में आए ना आप ग्रुप टू की भी पढ़ाई करोगे आप लोग, उसके बाद में फिर सेल्फ स्टडी करोगे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करोगे उसमें आप पूरे प्रोविजंस को कम से कम 3 बार रिवाइज करोगे, कम से कम 3 बार मैं आपको प्लानिंग करके दूंगा, और फिर 2 बार टेस्ट सीरीज दोगे, और फिर मेन एग्जाम के एक दिन पहले भी तो पलटाओगे पन्ने, इतना पढ़ने के बाद में ऐसे पेपर में फेल होने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लगेंगे, पास तो हो ही जाएंगे ना, डू यू थिंक कि पढ़ के जाएंगे तो पास तो हो जाएंगे, है ना, सो डोंट हैव इट इन योर माइंड कि यार बहुत टफ है बहुत टफ है, तो क्वेश्चंस तो जनरली जो देखे हैं वो ही प्रोविजंस में से आते हैं, हर एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं आ जाता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करने पे एम्फेसिस नहीं करते, हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स को प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, जैसे आपको इधर एक आ गया था सील ऑन अप्रूवल वाला, अब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें सील ऑन अप्रूवल का आपको पीरियड निकालना है, लेकिन याद है हमने ऐसे केसेस किए थे तो वो काम में आता है, सो हम जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में कॉन्सेप्ट्स की प्रोविजंस की सब चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, सब बहुत काम की, ओके, एंड बाद में आपको जो भी टॉपिक में लगता है कि नहीं अपने को और एक बार समझना चाहिए तो आपके पास बैकअप लेक्चर्स अवेलेबल है अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीनों के लिए, हम भी अवेलेबल है, तो आपके पास फैसिलिटी पूरी है, ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम ऑफ टैक्सेशन ऑफ सी एंटर विल बी योर्स, ओके, तो आपको उसके लिए तैयार होना है, सो जितना इसका हवा बनाया जाता है उतना टफ तो कुछ था नहीं, आप खुद ही बताओ मुझे, था क्या कुछ बहुत ज्यादा टफ, सर टीडीएस चैप्टर तो याद ही नहीं होता है, तो उसमें से 194 सी से पूछ लिया 2 क्वेश्चन, 6 में से 4 मार्क तो 194 सी आया, और एक आइटम लेटेस्ट वाला आया जो अमेंडमेंट वाला था 194 ओ, तो उतना तो आना ही चाहिए, ठीक है, बाकी बहुत सारे नए और प्रोविजन थे जिसमें नहीं आया, तो जो अमेंडमेंट्स रहते जो May 22 के अमेंडमेंट्स हैं मैंने तो आपको पढ़ा है क्लास में ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके नोट्स में, लेकिन मैंने अलग से भी ना उसकी वीडियो अपलोड करके रखा है यूट्यूब में, तो आप लोग आपके रिवीजन के लिए वो भी एक बार और देख लेना, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे अमेंडमेंट्स पे ज्यादा पूछ लेते हैं, है ना, कुछ जो रिसेंटली अमेंडेड या सर्कुलर इश्यूड रहता है, तो May 22 के लिए कौन से अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थे वो आप दोबारा देख लेना, क्योंकि मई में नहीं पूछा तो उस पर हो सकता है नवंबर में पूछ ले, ओके, हो सकता है, वी डोंट नो, एंड नवंबर के लिए आपको क्या स्पेशल छोटे मोटे एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स है, सिर्फ जीएसटी में है जो है, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर में है छोटा सा कि कौन से पर्सन को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, मैंने आपको ना टेलीग्राम चैनल पे भेजा था वो रिटर्न फाइलिंग किसको मैंडेटरी है, ये देखो ये नोट्स भेजा था, हमने पढ़ा था कि नॉर्मली किसको है ना, जिसका जिसका डिपॉजिट बैंक में 1 करोड़ के ऊपर होता है, ओके, या तो फिर क्या लिखा है 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर करता है, या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 लाख से ज्यादा होता है, अब और उसमें इंसर्ट हो गए 21 अप्रैल 2022 से, आपका कट ऑफ डेट 30 अप्रैल है सिलेबस का, तो 30 अप्रैल के पहले आ गया तो आपको भी एप्लीकेबल रहेगा, तो ये 3-4 पॉइंट और इंसर्ट हो गए, देखो पढ़ पढ़ के समझ जाएगा, तो अगर आप अदरवाइज भी रिटर्न फाइलिंग के लिए लायबल नहीं हो तो ये सर्कमस्टेंसेस में अब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, ऑलरेडी उस समय मैंने भेजा था, है ना, आपको मैं क्लास में पढ़ाना भूल गया था, इफ टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड 60 लाख, इवन इफ द नेट इनकम इज लेस बट टर्नओवर अगर 60 लाख के ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड 10 लाख, बिजनेस में कितना एक्सीड हुआ तो करना है 60 लाख, प्रोफेशन में 10 लाख, इफ एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस ड्यूरिंग द ईयर इन द केस ऑफ द पर्सन इज 25,000, टीडीएस प्लस टीसीएस उसका जो कटा है या कलेक्ट हुआ है वो 25,000 से ज्यादा है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 बोला है, और डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग अकाउंट बाय द पर्सन इन एग्रीगेट इज 50 लाख और मोर, साल भर में वो 50 लाख से ज्यादा जमा कर रहे हैं फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है,
क्योंकि इनकम कम है तो हो सकता है, लेकिन उसको बोलेंगे भैया पहले रिटर्न फाइल कर तो हम देखते हैं। सो ये चार केसेस नए आ गए, बहुत सिंपल है, याद हो गए अब तो। बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन के ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा है, देन टीडीएस प्लस टीसीएस 25,000 या 50,000 से ज्यादा है, एंड लास्ट आइटम क्या था कि डिपॉजिट उसे सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा किया, 50 लाख और मोर। ओके, यहां पर हर जगह दिस अमाउंट और मोर, दिस और मोर, एंड यहां पर एक्सीड 10 लाख एंड एक्सीड 60 लाख लिखा है, मतलब एग्जैक्ट 10 एंड 60 पे नहीं, उससे एक्सीड हो गया तो करना है, और यहां पर एग्जैक्ट 25 रहा तो भी करना है, एग्जैक्ट 50 लाख रहा तो भी करना है। इतना सा और एक अमेंडमेंट है जो बोनस अमेंडमेंट है, और बताइए क्लियर है फिर। सो आज की हमारी पूरी क्लास इसको डेडिकेटेड थी हमारे क्वेश्चन पेपर को, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, अब रिमेनिंग क्लासेस में हम लोग हमारा बाकी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।